हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्शंस। मैं हूं आपका दोस्त हारिस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज, अभी जो वीडियो आई है भाई, बहुत ही शॉकिंग वीडियो है। ठीक है, वीडियो का टाइटल है भारत के टाटा ने बनाया ऐसा विमान जिसे देख कर पूरी दुनिया हैरान। ठीक है, तो भाई कैसा विमान जो है टाटा ने बना लिया। टाटा वैसे तो सुना है कि गाड़ी मतलब टाटा जो है वो गाड़ियां ऑटोमोबाइल कंपनी है। ठीक है, तो गाड़ियां बनाती है, तो भैया टाटा ने विमान भी बना लिया है। विमान पता नहीं विमान का नेम क्या है, ये तो वीडियो देखेंगे पता चलेगा कि ये कैसा विमान है। ठीक है, ये मतलब के यही टाइटल था, ऐसा विमान बना लिया जिसे देखकर पूरी दुनिया हो गई है हैरान। ठीक है, तो वीडियो थॉट एक्सप्लोरर्स चैनल है, इस चैनल का वीडियो है। चैनल का और वीडियो का लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, लगातार भारत सन टाटा ग्रुप की तरफ से कोई ना कोई बड़ा कारनामे आए दिन किया जाता है, जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। और अब एक बार फिर से टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से ऐसी खबर सामने लेकर आ रही है जिसने यूरोपीय देशों के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले भारत सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को 22,000 करोड़ का ऐसा प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसके तहत टाटा की तरफ से ऐसा विमान बनाकर तैयार किया जाएगा जो किसी भी देश की ऊपर और स्ट्राइक या किसी भी तरह की हवाई कार्यवाही को अंजाम देने में सक्षम होगा। इस विमान में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जो रूस, अमेरिका, चीन जैसे बड़े बड़े देश के पास भी मौजूद नहीं होगी। यही वजह है कि हमारे दुश्मन दिल मिला उठे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी अपडेट। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी वीडियो की खबर आपको समय से मिल सके। दोस्तों, भारत सरकार के नेतृत्व में हमें ये देखने को मिल रहा है कि कैसे मेड इन इंडिया के तहत भारत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा है। ऐसे में टाटा पीछे नहीं हट सकता था और एक बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लिया है, जिसके तहत टाटा ग्रुप एक ऐसा विमान बनाकर व्यूसी को सौंपने वाला है जिससे भारत के दुश्मन को अपनी पेंट गीली कर देंगे। इस प्रोजेक्ट में टाटा का साथ देने के लिए एक यूरोप की कंपनी भी निकालकर सामने आई है। वैसे आज तक टाटा ने किसी भी एयरक्राफ्ट को नहीं बनाया है, जो टाटा ग्रुप के लिए बिल्कुल नया होगा। दोस्तों, टाटा ग्रुप को भारतीय वायुसेना के लिए C-255 ट्रांसपोर्ट विमान बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें यूरोप की कंपनी भी शामिल है। इस डील के तहत 56 225 विमान बनाए जाना है, जिसमें से 16 स्पेन में बनकर भारत आएंगे और बाकी के 40 विमान को गुजरात के वडोदरा में बनाया जाएगा। सही 235। एक ऐसा अभिमान होगा जिसका इस्तेमाल व्यूसी और आम नागरिक दोनों ही कर सकेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 16 विमान स्पेन से 40 विमान अंदर तैयार होकर भारत पहुंच जाएंगे। भारत में ऐसा पहले बार देखने को मिलेगा कि जब कोई निजी द्वारा सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। अब कई लोगों के मन में यह सवाल रहा होगा कि इस विमान शामिल होने से हमें क्या फायदा होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह विमान सभी तरह की इलेक्ट्रॉनिक वाइनरफेयर सूट के साथ हो भारत में ही तैयार किया जाएंगे, जिससे भारत के एयर होस्टेड सिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत का पहले मेड इन इंडिया विमान भारतीय वायुसेना को सितंबर 2026 में मिलने की उम्मीद बताई जा रही है, और इसके अंदर लगे वाले सभी पुर्जे भारत में ही बनाए जाएंगे। दोस्तों, जी तरह टाटा विदेशी कंपनियां के साथ मिलकर है इस विमान को बनाने में योगदान देगा, उसे टाटा ग्रुप को विमान बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। दोस्तों, C-255 विमान की खासियतों की बात करें तो आपको बता दें कि यह विमान है सभी मौसम में उड़ान भर सकता है, जो रेगिस्तान से लेकर समुद्र तक, बेहद गम से लेकर बेहद ठंड वाले पान में दिन रात कम कर सकता है। इस विमान को कई वेरिएंट में बदला जा सकता है। इसको एक वाटर बम और एक टैंकर और एक रेस्क्यू मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें सबसे लंबा केबिन है, जिसकी लंबाई 12.7 मीटर है। एयरबस कंपनी का दावा है कि यह अभिमान है एक बार में 70 जवानों को सीमा तक पहुंचाने की क्षमता रखता। इसके अलावा इस विमान में एक खासियत यह भी है कि यह लगातार 11 घंटा तक हवा में उड़ान भर सकता है, साथ में खराब से खराब दुर्गा इलाकों में भी हथियारों पहचाने की क्षमता रखना है। यह विमान अपने छोटे ठेका पर छोटे रनवे में लैंडिंग करने के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो अब ऐसे में दोस्तों,
हमारी सी के लिए यासी 225 विमान है कितना महत्वपूर्ण है, आप समझ गए होंगे। आप ग्रेट न्यूज है भैया आप सबके लिए, भारत के लिए बड़ा खबर है कि C295 ठीक है, C295 एयरक्राफ्ट जो है इंडिया में भैया टाटा ग्रुप जो है, टाटा ग्रुप फर्स्ट टाइम बनाने जा रहा है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है ठीक है। इसमें बताया गया है कि 40 जो है वो मतलब 16 स्पेन से आएंगे और जो 40 है वो इंडिया में खुद बनाए जाएंगे ठीक है। और इस जो विमान है, जो एयरक्राफ्ट है, इसके बारे में मतलब इसके फीचर्स जो हैं, इसकी टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में, मतलब कि ये कैसे वेदर में उड़ सकता है, कैसा मतलब इसके फीचर्स कैसे होंगे ठीक है, इमरजेंसी में हर तरह के मतलब ऑपरेशंस में ये काम करेगा, और इसमें बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। और ये भी बताया गया है कि भैया चाइना, अमेरिका मतलब रशिया जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, जो मतलब के ये सोचते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है, तो भारत भाई इन ये कंट्रीज जो है ये भी हैरान हो जाएंगे जब इंडिया C295 तैयार करेगा ठीक है। तो पहला विमान जो है वो बताया गया है कि C295 का जो है वो 2026 में आ जाएगा ठीक है। तो बाकी जो है ये बहुत बड़ी खबर है, इंडिया जो है मतलब के सबसे जो अच्छी बात है, टाटा ग्रुप जो है वो मतलब के अभी एयरफोर्स के लिए जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी बनाना शुरू कर दिया है भैया। ये एक गुड न्यूज़ है कि टाटा इंडिया खुद अपने लिए एयरक्राफ्ट्स बना रहा है ठीक है। तो भैया काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आप इस न्यूज के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इस वीडियो को खत्म करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।